अभी तक 3-4 वीडियो बनाने के बाद भी आप लोगों का कमेंट्स, फोन कॉल आना बंद नहीं हो रहा। क्यों यार भ्रम की स्थिति में हो? परीक्षा को लेकर के क्यों तुम कंफर्म नहीं हो रहे हो, बताओ? मैंने भी बताया, अन्य चैनल वालों ने भी बताया कि परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मुझे कैसे फील हुआ कि उस टाइम पे होगी परीक्षा? ये पूरी जानकारी आपको मैं फिर से दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, ज़रूरी सूचना ये कि आप लोग पॉलिटेक्निक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों विषय का 84 चैप्टर देख करके एकदम भंभर गए हैं, घबरा गए हैं। तो भाई, आपकी घबराहट को मेंटेन रखने के लिए मैंने सिर्फ 55 वीडियो का कोर्स बना दिया कि भैया तू 55 वीडियो देख लो और 200 नंबर के आसपास पा जाओगे, सरकारी कॉलेज पा जाओगे, 84 चैप्टर पढ़ने से भी बच जाओगे। तुम्हें तो सिर्फ सरकारी कॉलेज ही चाहिए ना। तो घबराने वाला जो सिचुएशन है उससे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आप मुझे दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए, हमारा 55 वीडियो वाला कोर्स लीजिए, पढ़िए और एग्ज़ामिनेशन देने के बाद अच्छे रिजल्ट का इंतज़ार करिए और एडमिशन लीजिए। देखो बेटा, मैंने ज़रूरी सूचना तो बता दिया, लेकिन अब बारी है कि भैया जुलाई के पहला हफ्ता में क्यों एग्ज़ाम होगा? क्योंकि जानते हो 10 जून तक संबंधित विभाग द्वारा आवेदन फॉर्म भरवाया जा रहा है। 2 जून के बाद 15 जून तक ई फार्म में गलती किए गए सुधार को कराएंगे। यानी जो बच्चा बच्ची फॉर्म भरते समय गलती कर चुके हैं उनको सुधरवाने का टाइम मिलेगा। उसमें भी 100-200 फीस लगा दिए हैं ये लोग, तो उसमें भी कुछ कमा लेंगे। उसके बाद ये पता लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में विद्यालय कब से लेके कब तक, यानी किस तारीख से लेके किस तारीख तक खाली है, और उस खाली समय के बीच में ही ना आप परीक्षा कराएंगे। क्योंकि देश में एक ही परीक्षा नहीं है सिर्फ पॉलिटेक्निक वाला, SSC का है, SSC CGL का होता है, CHSL का होता है, मल्टीटास्किंग का होता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन का होता है, BDO का होता है, लेखपाल का होता है, IAS PCS का होता है, न चला बैंक का होता है, रेलवे का होता है, बहुत विभाग है बेटा, हम नाम नहीं गिना पाएंगे। अब सबकी परीक्षा ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए स्कूल कब खाली है, जब इनको डेट मिल जाएगा? कैसे लोग शादी का डेट डालते हैं, अरे फलाना महीने में डालो, लगन कब कब है, फलाने दिन मान है, तो ये वाला दिन में बारिश होगा, तो वो वाला दिन में आंधी आएगा, तो ये वाला दिन खरवास है, बचा 2 दिन इसमें, उसी में कराओ उसी में कराओ। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर के बनता है, हर परीक्षा को लेकर बनता है। परीक्षा कराने वाला विभाग ऐसे ही परेशान रहता है और दूसरे को भी परेशान करता है, जो उसको फॉर्म भरे रहते हैं। तो ये सब खोजने में, सहेजने में 7 दिन 10 दिन लग ही जाएगा चलवा। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लोग लिंक लगाएंगे, तो 2 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद परीक्षा कराएंगे, 2 दिन परीक्षा होगा, तो 2 दिन 5 दिन 2 दिन 5 दिन 10 जून के बाद जोड़ोगे ना, तो जुलाई में घुस रहा है, समझे? अब तुम कहोगे गुरु जी जुलाई में भी नहीं होगा, पहला हफ्ता के बाद दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह में हो सकता है जुलाई में, नहीं चला, क्योंकि उधर पीछे क्या होगा, सेशन लेट हो जाएगा, एडमिशन कराना है, काउंसलिंग कराना है, टाइमली सत्र शुरू करना है, पहला सेमेस्टर टाइम से पूरा हो, तो जुलाई के आगे तो ये जाने वाले नहीं हैं। जुलाई के आगे जाएंगे तो फिर डांट फटकार इन्हीं के ऊपर पड़ेगी कि भैया तू पढ़ाएगा कब, जब आधा सेशन आधा सेमेस्टर तू एडमिशन में लेगा, समझे बात को? तो कुल मिला जुला के लेट होने की जो अधिकतम सीमा थी वो हो चुका है, जुलाई के पहले सप्ताह में घुसेगा आपको परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में कब घुसेगा कि तुम परीक्षा का डेट पूछने के लिए फ़ोन मत करो, ठीक है, समझ रहे हो ना? विश्वसनीय चैनल पर सिर्फ देखो, सुनो, समझो, अमल करो, मेरा चैनल रेशवा अकेडमी। और भी होगा लेकिन मैं 2 को बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन लोगों से मैंने बातचीत किया, मैं उनसे मिला भी हूँ, अकेले भी मिला, परिवार के साथ भी मिला, उनके वहाँ रहा, तो
विचार पास पास होने से जो विचार प्रदर्शित होता है, जो दिखता है, उससे असलियत का पता चलता है। तो मैं जिनसे नहीं मिला हूँ सिर्फ उनका वीडियो देख के थोड़ी कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ और उनके साथ दो चार दिन रहा हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं। तो कुल मिला जुला के घबराना मत, चिल्ला 55 वीडियो तुम्हारे लिए वरदान है, मेरा वरदान है कि तू पास हो जा, तू सरकारी कॉलेज पा जा। बस मिलेंगे अगली वीडियो में। अब फ़ोन फान मत करना एग्ज़ाम को लेकर, कोर्स लेना हो तो फ़ोन करना, और कोई जानकारी लेना हो तो फ़ोन करना, परीक्षा कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस सब के लिए फ़ोन मत करना। हाँ, तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी अगर कक्षा 12 में फेल हो गए गणित में और कंपार्टमेंट फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए भी 95 वीडियो का कोर्स है जो रामबाण है, उनको भी दिलवा के तुम एक एहसान करना उनके ऊपर। ठीक है, थैंक यू।